नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में धुआंधार बारिश हो रही है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आज भी राजस्थान के भरतपुर जयपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के अंदर ऑरेंज और रेड अलर्ट दोनों जारी किए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हालात बेकाबू हैं। उदयपुर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा भयंकर से अति भयंकर तबाही मच रही है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हैं। यहां सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। दोस्तों, 3 दिन के भीतर 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है वज्रपात होने की वजह से और डूबने की वजह से। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का सबसे बुरा हाल है। यहां सभी नदियां उफान पर चल रही हैं और NH-56 भी बंद है। NH-56 पर दोस्तों पानी जमा हो चुका है, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। नदी नाले बेकाबू हैं। काली सिंध नदी उफान पर चल रही है। माही बांध के सभी गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। उधर कोटा के अंदर भी कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आसपास के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। धौलपुर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि एक साथ 2 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। बता दें कि 25 सितंबर तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। किसानों को भी चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत इस समय किसानों को हो रही है, क्योंकि उनकी फसल अभी खेतों में पड़ी हुई है और ऐसे में दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। किसान बेहद मायूस हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद के अंदर भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ दोस्तों आज और कल सबसे ज्यादा भयानक बारिश होने वाली है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें।